हमारी सोच में वो ताकत है जो पल भर में हमारे लिए हमारे आसपास का पूरा माहौल बदल सकती है। हे एवरीवन, आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक ट्रेन का नज़ारा बता रही हूँ जहाँ दो छोटे छोटे बच्चे बड़ी शैतानियाँ कर रहे थे, इधर से उधर कूद फाड़ मचा रहे थे, शेरगुल कर रहे थे, हंसी ठहाके कर रहे थे, कभी किसी की सीट पर चढ़ जाते, कभी इस कंपार्टमेंट से उस कंपार्टमेंट में दौड़ लगाते, मतलब सारी शैतानियाँ चल रही थी उनकी। और साथ बैठा था उनका पिता जो खिड़की से बाहर देख रहा था, बिल्कुल चुपचाप बैठा था। जब खेलते कूदते बच्चे उसके पास आते तो उन बच्चों को एक प्यार भरी मुस्कान देता और फिर उन्हें निहारने लगता और अपने किसी ख्यालों में खो जाता। आसपास बैठे सब यात्री ये सब देख रहे थे और बच्चों की चपलता से चंचलता से परेशान भी हो रहे थे। अब रात का वक्त हो चला था और सबको आराम करना था। अब ऐसे में एक यात्री से रहा नहीं गया और उसने उन बच्चों के पिता से बोल ही दिया कि कैसे पिता हैं आप, आपके बच्चे इतनी शैतानियां कर रहे हैं, उनकी वजह से दूसरे लोग इतने परेशान हो रहे हैं और आप है कि उन्हें मुस्कुरा कर बढ़ावा दे रहे हैं, आप उनको समझा क्यों नहीं रहे हैं। अब उसके बोलने के बाद और सब यात्रियों ने राहत की सांस ली कि चलो अब इनको थोड़ी सी लज्जा आएगी और ये अपने बच्चों को समझाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कुछ क्षण रुक कर उस आदमी ने उस यात्री से कहा कि भाई साहब, यही तो सोच रहा हूँ कि कैसे समझाऊँ मैं इन्हें। उस यात्री ने कहा कि मतलब क्या कहना चाहते हैं आप। तब उसने बताया कि इनकी माँ अपने मायके गई थी और वहाँ एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया और इन बच्चों को इनकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहा हूँ मैं, और ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे समझाऊँ इन्हें कि इनकी माँ अब इन्हें कभी नहीं मिलेगी। उसके ये सब कहते ही वहाँ जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। अब किसी से कुछ बोलना तो दूर, किसी से कुछ सोचा भी नहीं जा रहा था कि इसके बाद वो क्या कहें। आसपास का माहौल वही था, बच्चे उतनी शैतानियाँ कर रहे थे, इधर से उधर कूद फाड़ रहे थे, लेकिन अब वो बच्चे किसी को बुरे नहीं लग रहे थे बल्कि मासूम लग रहे थे। वो मासूम जिनके सर पे अब माँ का साया नहीं रहा और उन्हें इस बात का अंदाज़ा तक भी नहीं है। और वो पिता जो थोड़ी देर पहले लापरवाह लग रहा था, अब वो लापरवाह नहीं लग रहा था बल्कि एक ऐसा व्यक्ति लग रहा था जिसने अपने साथी को खो दिया है और अभी इन दो बच्चों के पिता के साथ साथ उन्हें माता भी बनना है। एक क्षण में वहाँ के लोगों की सोच बदलने से वहाँ का माहौल बदल गया। वो सारे लोग जिन्हें बच्चों पर गुस्सा आ रहा था, अब वो लोग इन बच्चों पर ममता लुटाना चाहते थे, उन्हें प्यार करना चाहते थे। हमारे आसपास भी बहुत कुछ ऐसा होता है ना जिन्हें देखकर हमें गुस्सा आता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, उनकी हरकतें हमें अच्छी नहीं लगती है और हम अपने आप में उनसे चिढ़ जाते हैं, उनसे नफरत करने लग जाते हैं, उन्हें लापरवाह या पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं, जबकि हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। क्यों नहीं एक सकारात्मक सोच लाई जाए और ये समझे कि जो कोई जो भी कर रहा है अपने हालातों वश कर रहा है, इससे हमारे आसपास का माहौल बहुत आसान और बहुत सुगम हो जाए।